हित करने वाला यदि मूर्ख हो तो ठीक नहीं होता। किसी राजा का अंगरक्षक एक बंदर था। वह राजा का बहुत भक्त था। राजा का विश्वास पात्र होने के कारण महल में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के वह आ जा सकता था। एक दिन राजा के सो जाने पर वह पंखे से राजा को हवा कर रहा था। इसी बीच एक मक्खी राजा के सीने पर आकर बैठ गई। बंदर ने अपने पंखे से उसको उड़ाना चाहा। वह बार बार मक्खी को उड़ाता और मक्खी बार बार राजा के सीने पर आकर बैठ जाती। बंदर चंचल और मूर्ख था। उसे गुस्सा आ गया तो उसने तेज धार वाली तलवार को उठाकर मक्खी पर प्रहार कर दिया जिससे वो मर जाए। परंतु वह मक्खी तो उड़ गई और राजा का सीना तलवार से दो भागों में कट गया और वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। दीर्घायु की कामना करने वाले मूर्ख बंदर ने राजा को ही मार दिया। करकटक ने कथा सुनाकर कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हित करने वाले मित्र को मूर्ख नहीं होना चाहिए। मूर्ख मित्र से तो समझदार शत्रु ही श्रेष्ठ है। वो कैसे? दमनक बोला, सुनो मैं सुनाता हूँ। तब करकटक ने आगे की कथा सुनाई।